সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে, আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। एक मिनट माननीय सदस्य गण, इतना जोश मत खाया करो सदन में। मैंने परमिशन दिए आलूवालिया जी को, और सुनो, हाँ एक कानून बताऊं मैं आपको, हाँ आप प्लीज बैठ जाइए। मैं कई बार सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों को जब कानून की डिबेट, एक मिनट, कानून की जो डिबेट होती है, हाँ कानून, एक मिनट, कानून की जब डिबेट होती है, एक मिनट, आपको नहीं बोलने देंगे क्या? अच्छा, आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको बोलने की हमेशा अवसर देता हूं, कभी मैंने आपके अवसर को समाप्त नहीं किया, कभी भी किया है समाप्त, कभी पर्याप्त अवसर देता हूं। तो किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। मैं माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो, आपको ही कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं मौका देता हूं, नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा इस विषय पर, आप भी बोलना, आपको माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं ये बिल पुरस्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कॉम्पिटेंसी के बारे में सवाल उठाए। कॉम्पिटेंसी इस दृष्टि से ये बिल संविधान के कई आर्टिकल की मूल भावनाओं को आहत करता है, इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे, इस बिल को पुरस्थापित न किया जाए। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। अब सुनेंगे तो सुने ना, सभापति महोदय ठीक नहीं है, सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुरस्थापित करने के लिए
प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो भी किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करी, मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। एक अनुच्छेद 11 का उपबंध में पढ़ना चाहता हूं, इस बात के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगी। सबका इस तरह से नहीं होगा अध्यक्ष जी, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया, इसमें उन कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूं ना, माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है, मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है मान्यवर। 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा, बिल पर ही कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं मैं। आपने भी भाषण दिया था। मान्यवर, उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई, तो फिर क्यों युगांडा करा? इंग्लैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं करा? सब करने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर युगांडा वालों को दिया गया था। दंडकारण्य का कानून लेकर आए तब भी सबको नागरिकता दी, सिर्फ क्यों उस वक्त भी बांग्लादेश करा 59 में? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया था। मान्यवर, श्रीमान राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा, फिर से 71 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया, क्यों 71 के बाद के नहीं करे? क्योंकि एक कट ऑफ डेट नक्की हुई तो आर्टिकल 14 वहां अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 14 वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए ले लो भाई 71। और मान्यवर, ऐसे
समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अंदर है। मैं ढेरों संविधान को कोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले, वो ग्रीन कार्ड देते हैं। किसके आधार पर देते हैं मान्यवर? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, इसको देते हैं। क्या समानता विकसित होती है? क्या नहीं होती है मान्यवर? एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। और कई सारे कानून, इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का आर्टिकल 14 का अगर आप, जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है, तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे माननीय? बताइए मुझे, समानता का कानून अप्लाई वहां क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार मिला है, वो एक सेकंड, वो आर्टिकल 14 वायोलेट करता है क्या? वो एक रीजनेबल, दादा बैठ जाइए, बैठ जाइए दादा बैठ, अब मुझे सुनना पड़ेगा आपको। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार को 5 साल के लिए चुना है, हमें सुनना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब यहां पर अब सुनो ना भाई, अब सुनो माननीय अध्यक्ष जी, सिट डाउन। माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जब आप माननीय सदस्य सब बोल रहे थे, जब मैं इधर से सदस्यों को सबको चुप करा रहा था, जब इस सदन को अगर चलाना है, अगर गंभीरता से चलाना है, तो सवाल करो तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त अवसर दूंगा, ये मैंने आपको बताया है। बीच में कोई भी मान्य सदस्य गृह मंत्री जी के बीच में अंकित होगा ना उठे, ये मेरा आपसे आग्रह है मान्य गृह मंत्री जी। मान्य अध्यक्ष जी, अब जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढेर सारे कानून बने हैं, तो यह केस के अंदर एक कानून को लाने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है वो मुझे बताना चाहिए। और मैं जब बिल पायलट कर रहा हूं, बिल लेकर आता हूं, तो मेरा दायित्व तो है कि मैं सदन के सामने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, माननीय सदस्य बात नहीं करें, आधार सदन के सामने रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, फिर माननीय सदस्य सब जवाब दूंगा भाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा, मगर बिल जब चर्चा में आएगा तब। अभी अब जिक्र करना बंद कीजिए, हम भी चुप रहेंगे। माननीय सदस्य, आप
मत करो, मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा अपनी गरिमा को बनाए रखे, आप किसी पर न उठे, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं मौका देता हूँ, पहुंच गया वहां तक आपका धन्यवाद। मान्यवर, मान्यवर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था। मान्यवर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? ये बिल का जो प्रस्ताव लेकर, संशोधन लेकर मैं आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, माननीय सबका अपना अपना, मान्यवर इनको सभी सदस्य कह रहे हैं भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। क्या क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है, मैं भूगोल को जानता हूं, इस देश की भूगोल को जानता हूं, मैं यह नहीं कहूं। कैसे बैठ जाए आज, मान्यवर जी बैठ कैसे जाए, मान्यवर मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इस देश का 106 किलोमीटर का जमीनी सरहद, ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, मैं क्या कहूं, माध्यम से विनंती करता हूं कि मेरे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को जरा धैर्य से सुने। सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ना, अरे वो भी एक है, वो भी एक है मान्यवर। अब ये जो तीन देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों देश के संविधान को हमने बारीकी से देखना पड़ेगा अगर इस बिल के तत्वों को समझना है। अखिलेश जी जल्दी समझ में नहीं आएगा, मान्यवर इनको इतना है तो रमेश जी, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान इस्लामिक रिक
रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का संविधान उसका अनुच्छेद 2 पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके अनुच्छेद 2 को देखिए, इसमें प्रावधान है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश के अनुच्छेद 2 क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। मैं इसलिए ये तीनों पड़ोसी देश के धर्मों का जिक्र करने वाला हूं, कर रहा हूं मान्यवर, क्योंकि ये जो प्लीज सिट डाउन मान्यवर में बात हो गया माननीय सदस्य, एक सेकंड नहीं प्लीज भेजाइए एक सेकंड। मान्यवर मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर नहीं हूं, बिल की कॉम्पिटेंसी को समझा रहा हूं। अब जब आप आपके वक्तव्य के अंदर दयानिधि महाराण जी लंका का पूछेंगे जरूर जवाब दूंगा, मगर मैं अभी बिल की वैधानिक कॉम्पिटेंसी के बारे में कह रहा हूं, ये नहीं है वो नहीं है। चीन जो दुनिया के जो देश का पूछना है वो पूछ लीजिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। मान्यवर अब आप तो बैठ जाइए सर। मान्यवर ये तीनों जो देश है, ये तीनों देश के संविधान के अंदर वो राज्य का धर्म का जिक्र है। अब पार्टीशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना हुआ, उस वक्त नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में, मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा, मगर नेहरू लियाकत समझौते के अंदर उस वक्त दोनों पाकिस्तान थे, पूर्व पश्चिम और भारत, उसके बीच में समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां माइनॉरिटी के संरक्षण की व्यवस्था का गारंटी दिया। दुर्भाग्य से यहां पर इसकी अनुपालना ढंग से हुई और ये तीनों राज्यों के अंदर माइनॉरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा मान्यवर, इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार, और वो अत्याचार के मारे धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, आपको भी आप एक मिनट अजीत को मत पकड़े दानिश अली, क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर हिंदू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मान्यवर, एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट में अधीर मत होइए अधीरंजन जी, बैठिए जरा। हाँ बोले, आपके भाषण का समय आएगा, एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा मान्य, प्लीज मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूं, बैठ जाइए मान्यवर, प्लीज मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं, हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है,
ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। एक मिनट हाय प्लीज माननीय इनका जवाब मत दीजिए। आप मान्यवर अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। के आधार पर छह धर्म समुदाय जिसका मैंने नाम कहा वो लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन और ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है। मान्यवर मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये छह तीन राष्ट्रों से भी अगर कोई मुसलमान मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा, परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूँ मान्यवर। आर्टिकल 371 एक मिनट प्लीज मान्यवर आर्टिकल 371 का जिक्र किया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो जस्ट के जस्ट वहां रहेगा। मान्यवर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल कोट किए गए हैं वो सभी आर्टिकलों का ध्यान रखते हुए ही ये बिल को ड्राफ्ट किया गया है और मैं मानता हूं कि सदन की कॉम्पिटेंसी के परव्यू के अंदर ही ये बिल आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हां कहें, जो सदस्य के विरोध में हां डिवीजन। खाली की जाए